हेलो फ्रेंड्स सो आज के इस वीडियो में हम लोग आउटडोर लाइटिंग सेटअप कैसे करने ही वाले हैं वो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं देखिए काफ़ी बार इस चैनल पे हम लोग ने पंद्रह पंद्रह बीस बीस दस दस मिनट के लंबे वीडियोस बनाए हैं जो आते रहेंगे और वो होते हैं थियोरटिकल वीडियोज़ टिप्स वाले वीडियोज़ फोटोग्राफी वेडिंग सबके रिलेटेड पर अब से जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एवरी वीक सैटरडे को आने वाली है वो होगी प्रैक्टिकल सीरीज मतलब आप ये समझ पाओगे कि आप कैसे कोई भी चीज मतलब फोटोग्राफी में कैमरा सेटिंग्स ले लो लाइटिंग सेटअप ले लो वो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो है ना अच्छा आइडिया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है एंड कॉमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए हो तो जब हम बात करें आउटडोर लाइटिंग सेटअप के बारे में तो इस लाइटिंग का जो सेटअप है यहाँ पे हम लोग को कोई दूसरी तीसरी लाइट यूज़ नहीं करनी है सिर्फ हमारी जो नेचुरल लाइट सोर्स है जो हमें मदर नेचर देती है राइट जो लाइट सोर्स है जो सन लाइट है उसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं सन लाइट एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जो एक जगह पर होता है और बाकी सारी जगह पर फैल जाता है ठीक है एंड जो भी लाइट आप दूसरी जगह से देखते हो मतलब सब्जेक्ट के दूसरी जगह से देखते हो वो एक रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्स होता है मतलब एक जगह पे सनलाइट होती है और बाकी जगह रिफ्लेक्टेड लाइट हो रहती है जिसकी वजह से सारे फोटोज एकदम ही ब्राइट होते हैं एक्सपोजर एकदम ही राइट होता है और कलर्स एकदम ब्यूटिफुल होते हैं पर ऐसी फोटोग्राफी करने के लिए जहाँ पे आपका एक एक्सपोजर राइट हो और वाइट बैलेंस मतलब कलर्स राइट हो उसके लिए आपको कुछ कैमरा सेटिंग्स करने पड़ेंगे तो अब देखते हैं कैमरा सेटिंग्स हाय आज हम लोग बाहर आए हैं आउटडोर में और आपको ये दिखाएंगे कि कैसे आप अपने कैमरा में सेटिंग कर सकते हो ठीक है तो अभी आते हैं यहाँ पर मैंने अपना कैमरा ऑन किया है और यहाँ पर अभी मैनुअल मोड पे है जिसको मैं एपचर प्रायोरिटी पे आ, चेंज कर रही हूँ ठीक है एपचर प्रायोरिटी का मतलब होता है कि आपका जो कैमरा है वो ए मतलब एपचर खुद डिसाइड करता है और शटर अपने आप डिसाइड कर लेता है एपचर आपको डिसाइड करना है और शटर अपने आप डिसाइड हो जाता है और जो आई है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी आपको डिसाइड करनी है तो आपके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं जब मैं आउटडोर आती हूँ तब मैं आई 200 से 500 के बीच में रखती हूँ और काफ़ी सफिशेंट हो जाता है जो एपेचर है वो मैं 4 से लेके 5.6 या 4 के नीचे अभी तो मैंने 24105 फोर वन लगाया है इसके नीचे भी अगर जाना हो तो इसके नीचे मैं चली जाती हूँ और ये जो आ, मीटर है इस मीटर में आपको पता चलता है क्या आप अगर यहाँ पे जाओगे तो एक स्टॉप अंडर एक्सपोज होगा और नीचे जाओगे तो अंडर एक्सपोज अंडर एक्सपोज फोटोज़ आते रहेंगे पर अगर आप ये जीरो के ऊपर जाओगे तो आपका जो है वो मीटर प्लस में आता जाएगा मतलब आपका ओवर एक्सपोजर होता जाएगा इसके लिए आपको यहाँ पर सेंटर पर रखना है ठीक है ताकि आपका जो एक्सपोजर है वो एकदम राइट रहो अभी जैसे ही मैंने ये एपेचर रखा एफ तो जो शटर स्पीड है आप यहाँ पर देख सकते हो शटर स्पीड अपने आप चेंज हो रही है देखो यहाँ पे तीन सौ बीस दिखा रही है दो सौ पचास दिखा रही है फिर हज़ार दिखा रही है आठ सौ दिखा रही है जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली ये जो शटर है वो अपने आप चेंज हो रहा है सोनी में और निकॉन में इसको ए लिखा गया है और कैनन में ए वी मोड है ठीक है तो ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप कभी भी आउटडोर में फ़ोटोग्राफी करो ये सेटिंग यूज़ कर सकते हो अगर आप मैनुअल मोड सेलेक्ट करते हो तो देख सकते हैं कि मैनुअल में सब कुछ आपको डिसाइड करना है मतलब एफ़ साइ सिक्स पॉइंट थ्री है चलो मैं एफ़ फ़ोर ले लूँ तो इसको भी आपको डिसाइड करना है और इसको भी आपको डिसाइड करना है जिसके वजह से आपका यहाँ पे मीटर दिखा रहा है कि हर सिचुएशन के हिसाब से कभी वो एक्सपोज ओवर एक्सपोज हो रहा है कभी वो अंडर एक्सपोज जा रहा है जैसे सिचुएशन चेंज होती है अब ये ओवर एक्सपोज दिखा रहा है आपके मीटर है आपके कैमरा के अंदर एक मीटर है जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या यह फ़ोटो ब्राइट है या यह फ़ोटो डार्क है वो प्लस और माइनस की साइन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है आपको दिखाने के लिए जैसे ही आप ये जो मीटर रीडिंग का यूटिलाइजेशन युट, करोगे और मैनुअल मोड पे काम करोगे हर फोटो के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपोजर ऊपर नीचे करना पड़ेगा ताकि आपका जो सारे फोटोज़ हो उसका जो एक्सपोजर हो राइट हो पर एवी मोड के हिसाब से आपने एपेचर जो है जिसके जिससे आपको शैलो डेप्थ देप्तो फील्ड वगैरह चाहिए वो सब तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने आप जो शटर स्पीड है उसका अगर आपको इतना ज़रूरत नहीं है तो वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा तो ये सबसे बेस्ट और ईजी आइडिया है अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो या फास्ट मोशन को शूट कर रहे हो तो यहाँ पे टीवी मोड भी है वेडिंग्स में यूजुअली एवी मोड ही चलता है पर अगर आप टीवी मोड पे जाना चाहो मतलब टाइम वैल्यू मतलब शटर स्पीड और अगर एप सोनी और निकॉन में एस का दिया हुआ रहेगा और टीवी मोड पे क्या होता है कि जो आई है वो आपको डिसाइड करना है यहाँ देख सकती हो कि एपिक्चर का सिंबल चला गया और यहाँ पे शटर हमको डिसाइड करनी है और और एक बात अगर आपको राइट कलर्स चाहिए तो क्या काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है अगर मेरे को फोटोग्राफी करनी है पर जो कलर्स है ना वो मेरे सही नहीं आते हैं इसका एक सिंपल सल्यूशन है आप यहाँ पर के है ना जो कैलविन मैं वहाँ पर जाती हूँ चाहो तो आप ऑटो वाइट बैलेंस में यूज़ कर सकते हो या फिर आप कैलविन में पाँच हज़ार से ले कर पाँच हज़ार तीन सौ तक का कैलविन अगर रखोगे इसके एवरेज अगर कैलविन रखोगे तो एकदम नेचुरल स्किन टोन्स आएंगे जो स्किन टोन्स एकदम नेचुरल हो गए जो कलर्स हो गए वो बेस्ट हो गए सो so, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही कर रही हूँ अगर आपके कैमरा के अंदर कैलविन का ऑप्शन नहीं है तो आप वाइट बैलेंस में भी जा सकते हो और अगर आप डे लाइट वगैरह क्लाउडी वगैरह ट्राई करना चाहते तो आप कर सकते हो पर आई पर्सनली फील ऑटो वाइट बैलेंस या तो फिर कैलविन 5000 से 5200 तक आपको काम में आ जाएगा जब हम बात करें आउटडोर लाइटिंग सेटअप की कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में तो देखिए लाइटिंग की अगर आप सेटअप की टाइमिंग की बात करें तो वो सुबह को सात से ले कर दस बजे तक होगी और शाम को चार से छः बजे तक होगी दोपहर में आप अगर फोटोशूट करोगे तो आपका वो जो सूरज होगा वो सन होगा वो आपके सिर के ऊपर होगा जिसके वजह से आपकी जो आंखें होगी जिसके अंदर नीचे शेडोज़ होंगे। वैसी लाइट सोर्स किसी को अच्छी नहीं लगती है बहुत ही अनइवन लाइट होगी हार्ड लाइट होगी डार्क शेडोज़ होगी हाई लाइट्स बहुत ब्राइट हो गए तो ऐसा हमें को नहीं चाहिए हमें चाहिए कि भाई नहीं एकदम ही सॉफ्ट ब्यूटिफुल फ़ोटोज़ हो एकदम पीछे से भी लाइट आ रही हो बैक लाइट आ रही हो ऐसे कुछ फ़ोटोज़ हो जिसकी वजह से हमें को सुबह को काम करना है और शाम को काम करना है ठीक है जहाँ पर स्लाइट सोर्स एकदम ही बेस्ट रहती है पर अगर ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे शादी का मंडप दोपहर को दो बजे सूरज सिर पर है और मंडप नीचे है और आपको वहाँ पे अमेजिंग शॉट्स लेने हैं क्या करोगे अगर ऐसा कुछ हो गया कि सनराइज पीछे से हो रहा है या सनसेट आपके कपल के पीछे हो रहा है और वहाँ पे आपको पूरे मंडप में अंदर पूरी फोटोग्राफी करनी है कैसे करोगे सारे फ़ोटोज़ तो डार्क आएंगे सारे फ़ोटोज़ एकदम ही चौकी आएंगे कहीं पर ब्राइट होगा डार्क होगा कुछ पता ही नहीं चलेगा फोटोग्राफी कैसे करोगे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया जो आएगा लोग बोलते हैं शादी को सुबह को नौ बजे की शादी है वो कभी कभी बारह बजे भी हो जाती है कैसे इसको डील करोगे इसका सिर्फ़ एक सल्यूशन है मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो कमेंट सेक्शन में लिखिए पर मेरे हिसाब से इसका सिर्फ एक सल्यूशन है और वो है फ्लैश फ्लैश ही एक ऐसा टूल हो जाएगा और ऐसा ही यूजफुल टूल हो जाएगा जो अगर आप सामने से अगर डायरेक्ट फ्लैश मारोगे तो फ्लैट फोटोग्राफी होगी और अगर किसी को बोलोगे कि यार ठीक है स्लेव ऑन करके अगर आप फ्लैश यूज़ करते कहीं और से चेहरे पे लाइट डालोगे तो डायरेक्शनल लाइट हो जाएगी अभी ये एक ही लाइट सोर्स है जो सन को कट करके फेस के ऊपर लाइट देता है मतलब अगर पूरा बैक लाइट है ठीक है फिर भी अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपको फ्लैश यूज़ करके फोटोग्राफी करनी पड़ेगी ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही गंदा प्रॉब्लम है फोटोग्राफर के लिए अगर मैं कोई शादी में जाऊँ और मुझे पता चले अब बारह बजे शादी है दो बजे शादी है और सीधा सिर के ऊपर चादी है मतलब सन सिर के ऊपर है कपल के कैसे फोटोग्राफी करोगे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग और डिफिकल्ट हो जाता है आपको भी एज अ फोटोग्राफर गर्मी होती है उनको भी बहुत गर्मी हो रही है मूड भी बहुत ही ऑफ होता है जो हवन होता है उसके अंदर से भी ज्वाला आ रही है तो उसकी वजह से भी पूरा का पूरा माहौल एकदम गर्म गर्म हो जाता है अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे पोर्ट्रेट आपको वहीं के वहीं लेने हैं हार्ड लाइट में ही पोर्ट्रेट लेने आपका शूट बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ है अब फैशन फोटोग्राफी का शूट बहुत लेट स्टार्ट हो गया है ऐसी सारी सिचुएशंस में आपको सिर्फ़ फ्लैश ही काम में आ सकती है और क्रिएटिवली आप फ्लैश के साथ ही फोटोग्राफी कर सकते हो काफ़ी लोग रिफ्लेक्टर थर्मोकॉल ये सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं पर ये बहुत सारा लाइट बाउंस uh, नहीं करेगा वो तो सिर्फ आपके जो शेडोज हो गए जो आपको सॉफ्ट लाइट के शेडोज बाउंस करने हैं कहीं कहीं शेडोज बाउंस करने तब काम में आएंगे पर अगर आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा काम में ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्लैश की आपको जो सोर्स है उसको यूज़ करनी पड़ेगी ये उसका बचाव है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया फ्लैश लो और चालू हो जाओ आपके सारे फोटोज़ एटलीस्ट अच्छे आ जाएंगे कलरफुल आ जाएंगे ओके okay? एंड जब ये वीडियो इतना यूजफुल है इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए लाइक करना चाहिए शेयर करना चाहिए सारे फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ एंड एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए हम लोग को क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स चैलेंजेस बहुत सारा कुछ होता है वहाँ पर रील्स भी अपलोड कर रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है तो उसको वहाँ पर फॉलो कीजिए डी एम कर सकते हो ये सारी चीज़ें हैं कॉमेंट सेक्शन के साथ एंड बाई देन थैंक यू सो मच यू सोन